हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दक्षु टेक्नो टिप्स में। आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग एक बजट कॉर्डलेस एयर ब्लोअर कम वैक्यूम क्लीनर की। मैं इसको बजट कॉर्डलेस एयर ब्लोअर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आपको ऑनलाइन पर मिल जाएगा कुछ 4000 से लेके 4500 रुपए तक, वो भी पूरी 2 लिथियम बैटरी के साथ में। इस कॉर्डलेस एयर ब्लोअर से जुड़ी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मशीन और टूल्स के वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में आपको मिल जाएगा एक कॉर्डलेस एयर ब्लोअर। अगर मैं पहली नजर में देखूं तो इस बॉक्स के ऊपर कोई भी कंपनी का नाम मेंशन नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिकेशन मेंशन है। खैर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या आता है इस बॉक्स के अंदर। सबसे पहले यहां पर आपको मिल जाता है यूजर मैनुअल। 2 लिथियम बैटरी आपको मिल जाती है पूरे 21 वोल्ट की। बैटरीज को चार्ज करने के लिए चार्जर। फिर आपको यहां पर मिल जाता है डस्ट कवर और एक एक्सटेंशन पाइप। और यह है हमारा कॉर्डलेस एयर ब्लोअर कम वैक्यूम क्लीनर। अब हम देख लेते हैं इसके फीचर्स और लास्ट में लेंगे हम इसका डिटेल में डेमोस्ट्रेशन। यहां पर आपको 1500 mAh की 2 लिथियम बैटरी मिल जाती है, वो भी 21 वोल्ट की। यहां मिल जाता है आपको बैटरी का चार्जर। जब भी आप चार्जर में बैटरी लगाएं तो पहले आप बैटरी को उल्टा कर लें, उसके बाद आप फिक्स कर दें। देखिए, जस्ट आपको इंसर्ट करके यहां पे पुश कर देना है, यहां पे ऐसे बैटरी लग जाएगी। जब आप बैटरी को चार्ज करेंगे तो इसका इंडिकेटर रेड लाइट शो करेगा। इसका यह मतलब है कि अभी बैटरी चार्ज हो रही है। जब पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी तब ये इंडिकेटर ग्रीन शो करेगा। बैटरी को पूरा चार्ज होने में 45 से 50 मिनट लगते हैं। फिर बैटरी निकालने के लिए यहाँ पे दिया है पुश बटन, इसको आप दबाएंगे और बैटरी अपनी तरफ खींच लेंगे, ऐसे आपकी बैटरी निकल जाएगी। अब हम लगा लेते हैं ब्लोअर में अपनी बैटरी को। ये मशीन आपको मिलती है वेरिएबल स्पीड के साथ में और इस मशीन का RPM है 16300। वेरिएबल स्पीड का ऑप्शन इस ट्रिगर में ही है। यदि आप इसको धीरे दबाएंगे तो मशीन धीरे चलेगी और यदि आप इसको पूरा प्रेस कर देंगे तो मशीन फिर तेज चलेगी। इस एयर ब्लोअर में आपको मिल जाती है 117 mph की स्पीड। mph मतलब होता है माइल्स पर आर। 117 mph अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़िया है। जो इसका वेरिएबल स्पीड का ऑप्शन है उसमें आपको मिनिमम स्पीड मिलती है 8300 rpm और आपको मैक्सिमम स्पीड मिलती है 16300 rpm। बैटरी पूरी फुल चार्ज होने के बाद ये एयर ब्लोअर 3 से 3.5 घंटे तक बड़े आराम से चल जाता है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं हमारी इस मशीन का वेट। हमारी इस मशीन का वेट है 980 ग्राम, मतलब 1 किलो से भी कम। और यदि मैं बैटरी का भी वेट करूं तो इसका टोटल वेट होता है 1 किलो 500 ग्राम। वेट वाइज तो ये मशीन बहुत बढ़िया है, इससे आप घंटों काम कर सकते हैं, आपके हाथों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम जरा इसके वैक्यूम क्लीनर के ऑप्शन को देख लेते हैं। वैक्यूम क्लीनर यूज करने के लिए ये जो आपको एक्सटेंशन पाइप दिख रहा है इसको आपको चेंज करके इस तरफ लगाना पड़ेगा। जरा मैं इसको यहाँ पे फिट कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे फिट कर दिया है और ये जो इसका डस्ट कवर है ये डस्ट कवर को आपको सामने लगाना पड़ेगा। इसको हम जरा सामने फिट कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ मेरा डस्ट कवर लग गया है। तो यहाँ पर मैंने धूल डाली है और यहाँ पे कुछ बड़े बड़े कंकड़ भी हैं, मैं जरा आपको दिखाता हूँ। वो कंकड़ थोड़े वेट वाले हैं, हम ये चेक करेंगे कि ये मशीन हमारे वो कंकड़ उठा पाती है कि नहीं। देखिए जरा, मैं थोड़ा आपको पास से दिखाता हूँ। गाइज, वैक्यूम क्लीनर के नाम पे तो ये पूरा पैसा वसूल है। मुझे इस मशीन से सही में इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये मेरे कंकड़ या फिर जो धूल मैंने डाली है उसको इतनी जल्दी ये पूरा समेट लेगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी धूल कहाँ पर इकट्ठा होती है। तो यहाँ पे इसका डस्ट कवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये डस्ट कवर के यहाँ पे चेन है। ये आप चेन खोलेंगे और यहाँ से सारा डस्ट बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये पूरा डस्ट बाहर आया है। ये देखिए,
तो आप देख सकते हैं कि वैक्यूम क्लीनर के नाम पे बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर मेरी स्लाइडिंग है, जरा अब हम इसकी धूल उड़ा के देखते हैं। थोड़ा जरा मैं आपको पास से दिखाता हूँ। इस ब्लोअर का एक और फायदा यह है कि इससे आप अपने पीसी और लैपटॉप को बड़े आराम से साफ कर सकते हैं। रीजन यह है कि इसके अंदर वेरिएबल स्पीड है। अगर आप धीरे चलाएंगे तो एयर ब्लोअर बिल्कुल कम स्पीड में चलेगा और इससे आप पीसी और लैपटॉप की धूल को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस वाइज तो ये मशीन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बट मुझे एक दो चीज़ें अच्छी नहीं लगी। सबसे पहली कि इस मशीन का जो कंपनी का बॉक्स था उस पर कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं था, ना ही कंपनी का नाम था, ना ही कुछ MRP थी। खैर कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी जो मुझे बात अच्छी नहीं लगी वो ये है कि इस बैटरी पे कोई इंडिकेशन नहीं है जिससे हम चेक कर सकें कि ये बैटरी कितनी चार्ज है। जो लोग कॉर्डलेस मशीन यूज़ करते हैं उनको बड़े अच्छे से मालूम है कि कॉर्डलेस एयर ब्लोअर बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। इनका प्राइस पॉइंट स्टार्ट होता है 8,500, 16,000 और कुछ कंपनी के तो कॉर्डलेस एयर ब्लोअर 32,000 रुपए तक आते हैं। मगर ये कॉर्डलेस एयर ब्लोअर आपको मिलेगा सिर्फ 4,000 रुपए में, वो भी पूरी 2 लिथियम बैटरी के साथ में। ये एयर ब्लोअर वाकई बहुत सस्ते हैं और बहुत सारी कंपनी इनको इंपोर्ट कर रही है। ये आपको बहुत सारे कलर्स में मिल जाएंगे, आप किसी भी कंपनी का ये एयर ब्लोअर ले सकते हैं। इस एयर ब्लोअर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से भी जाके इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग, एंड यस, कीप क्लीनिंग।